आज के क्लासेस में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नेशनल इनकम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसकी पहली सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कि जीडीपी क्या होता है। साधारण पुस्तकों में आपको परिभाषाएं जीडीपी की दिख जाएंगी, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि इस परिभाषा को सरल और आसान शब्दों में तोड़ तोड़ कर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जीडीपी कहता क्या है। एक वित्त वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत रहने वाले निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो आइए देखते परिभाषा को कैसे हम सरल तरीके से तोड़ सकते हैं। पहला चीज ये देखिए, यहां पे लिखा गया है एक वित्तीय वर्ष। तो अगर हम भारत की बात करें तो एक वित्तीय वर्ष क्या हो सकता है, हमारा एक वित्तीय वर्ष कब से कब माना जाता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का जो समय होता है, यह भारत के लिए क्या कहा जाएगा, वित्तीय वर्ष का समय कहा जाएगा। इसके बाद देखें, यहां पे लिख रहे हैं देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत। अब सवाल है कि देश की घरेलू सीमा हम किसको कहेंगे। अगर मान लीजिए कि यह हमारा भारत है और हम इसकी घरेलू सीमा की बात करें, तो घरेलू सीमा क्या हम समझते हैं, ये जो भौगोलिक क्षेत्र, यही केवल भौगोलिक क्षेत्र जो है ये हमारी सीमा नहीं है, बल्कि यहां से हमारे समुद्री क्षेत्रों से 12 नॉटिकल माइल की जो दूरी है ये भी हमारी क्या कहलाती है, घरेलू सीमा के अंतर्गत कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए समुद्र के क्षेत्र में हम जो भी मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं, या तेल के निष्कासन के जो कुएं हैं, पर्यटन का जो उपयोग कर रहे हैं, इन सभी से संबंधित जो सेवाएं हैं और जो वस्तुएं हैं वो भी हमारी क्या कहलाएगी, घरेलू सीमा कहलाएगी। तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं मानचित्र में, आप देखते हैं ये हमारी क्या है, भौगोलिक सीमा है। लेकिन जब हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे होते हैं और हमने लिखा है देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, तो घरेलू सीमा का अर्थ क्या होता है, भौगोलिक नहीं बल्कि अन्य चीजों को भी शामिल किया जा सकता है। जैसे घरेलू सीमा में पहली बात आप क्या देख रहे हैं कि 12 नॉटिकल माइल की दूरी, कहां पर, समुद्री क्षेत्रों में। समुद्री तटीय जो क्षेत्र हैं उनकी 12 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल का मतलब क्या, एक नॉटिकल माइल जो होता है वो लगभग आपका 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। दूसरी बात कि हम जानते हैं कि हमारे देश के जो दूतावास है ना, अन्य देशों में भी होते हैं, तो अन्य देशों में जो हमारे दूतावास हैं ये भी क्या कहलाएंगे, हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत कहलाएंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त देश के जो नागरिक हैं उनके द्वारा जैसे जलयान या वायुयान, है ना, वायुयान या जलयान, ठीक है, एक चीज समझिए, जलयान या वायुयान जो भी आपके पास एरोप्लेन्स चल रहे हैं या फिर जो यॉर्ट्स आपका चलता है या नाव चलते हुए दिखते हैं, ये जिस देश में पंजीकृत होते हैं उस देश की संपत्ति कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि एयर इंडिया की उड़ान भारत से अमेरिका के लिए भी है या अन्य देशों के लिए है, तो ये दो देशों के बीच में कार्य कर रहा है, लेकिन ये संपत्ति क्या कहलाएगा, हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत। तो जैसे वायुयान जलयान सेवाएं जो हैं ये भी क्या है, हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत होते। तो हमने क्या बताया, परिभाषा को हम सरल करते हुए देख रहे हैं कि एक वित्तीय वर्ष मतलब क्या, 1 अप्रैल से लेके
31 मार्च का जो समय होता है और हमारे देश की घरेलू सीमा केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि समुद्र तटीय क्षेत्रों के जो 12 नॉटिकल माइल की जो दूरी होती है वो भी हमारी क्या है, समुद्री सीमा है। समुद्री सीमा में जैसे कि हम क्या करते हैं कि यातायात का प्रयोग करते हैं, तेल के कुओं का निष्कासन करते हैं, मछुआरों द्वारा वहां पे मछलियां पकड़ी जाती हैं, तो ये सभी जो उत्पाद या सेवाएं हमको प्राप्त हो रही हैं ये भी हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत गिने जाते हैं। ओके, इसके बाद हम देख रहे हैं रहने वाले निवासी। तो अब सवाल ये होता है कि निवासी किसे कहेंगे। रेसिडेंट का अर्थ होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, रेसिडेंट का अर्थ क्या हुआ, क्या कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो साल भर में 6 महीने से अधिक भारत में निवास कर रहा हो और उनकी आय का संपूर्ण स्रोत भारत से ही है तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, भारत का निवासी कहलाएगा। क्या मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो एक वर्ष में 6 माह से अधिक देश में रह रहा है और उसकी आय का कुल स्रोत इसी देश में हो तो वो क्या कहलाएगा, उस देश का निवासी कहलाता है। तो बहुत बार में आपने सुना होगा प्रवासी भारतीय भी आप सुनते होंगे, है ना। एनआरआई तब किसको कहते हैं, एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन या प्रवासी भारतीय किसको कहा जाएगा। तो प्रवासी की परिभाषा भी कुछ ऐसा ही है, वह व्यक्ति जिसके पास भारत का पासपोर्ट है और 1 साल के 6 माह से अधिक वह विदेश में रह रहा हो और उसकी आय का संपूर्ण स्रोत विदेश से हो तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, प्रवासी भारतीय कहते हैं। तो जैसे परिभाषा में हम देखते हैं कि परिभाषा में लिख रहा है कि घरेलू सीमा के अंतर्गत रहने वाले निवासी, तो निवासी कौन को कहा जाएगा कि वैसे व्यक्ति जो साल भर में 6 महीने से अधिक भारत में रह रहे हो और उनके आय का जो संपूर्ण स्रोत है वो भारत से है तो उनको क्या कहा जाएगा, निवासी कहा जाएगा। ओके, इसके बाद कह रहा है उत्पादित अंतिम वस्तुएं। अब सवाल ये होता है कि अंतिम वस्तुएं किसको कहेंगे या अंतिम वस्तुओं को ही शामिल क्यों किया जाता है, इसे देखते हैं हम लोग। जैसे आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, एक है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और हमारा होता है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे होता है, कृषि एवं संबंधित क्रियाओं से। द्वितीयक क्षेत्र का हमारा संबंध होता है निर्माण एवं विनिर्माण और तृतीयक क्षेत्र का हमारा संबंध होता है, इसे हम सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं, सेवा क्षेत्र के नाम से भी हम इसे जानते हैं और इसमें हमारा क्या होता है, व्यापार और उद्योग भी हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो मान लीजिए कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हमने क्या किया है कि गेहूं का उत्पादन किया है,
ठीक है। इस गेहूं के प्रयोग से किसी मिल में हम लोगों ने क्या किया कि आटा बनाया, और इस आटे का प्रयोग करके हमने क्या किया कि ब्रेड बना लिया, ठीक है। तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र था, इसका महत्व क्या था कि गेहूं के रूप में हमें इससे क्या प्राप्त हुआ है, कच्चा माल प्राप्त हुआ, ठीक है। निर्माण के अंतर्गत हमने उस गेहूं का प्रयोग करके क्या बना लिया, आटा बनाया, और इस आटे का प्रयोग करके जब हम ब्रेड बना रहे हैं तो यह जो ब्रेड है यही हमारा गिना जाता है अंतिम वस्तुओं के रूप में। अंतिम वस्तु साधारण शब्दों में वैसी वस्तुओं को कह सकते हैं जिनका पुनः निर्माण नहीं किया गया है, या जिसे दोबारा हम बेच नहीं रहे। अंतिम वस्तु हम किसे कह सकते हैं, जिनका पुनः निर्माण नहीं कर रहे हैं, जिनका पुनः निर्माण नहीं किया जा रहा है, या फिर जिसे हम पुनः खरीद नहीं रहे हैं, ठीक है। अंतिम वस्तु को साधारण शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि वैसी वस्तुएं जिनका पुनः निर्माण नहीं किया जाएगा, या जिन वस्तुओं को हम पुनः नहीं खरीद रहे हैं, उन वस्तुओं को क्या कहते हैं हम लोग, अंतिम वस्तु के रूप में कहते हैं। तो सवाल ये हो सकता है कि आखिर अंतिम वस्तुओं को ही शामिल क्यों किया जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि मौद्रिक रूप में जब हम मापते हैं तो इसकी दोहरी गणना से बचने के लिए। दोहरी गणना कैसे, देखिए मान लीजिए कि गेहूं जो है, इस गेहूं को ₹8 प्रति केजी के दर से क्या किया गया कि बेचा गया, और इसे बेच करके जब आटा बना दिया गया तो इसी गेहूं से बने हुए आटे की कीमत मान लीजिए कि ₹20 प्रति केजी हो जाती है, और आटे के प्रयोग करके जब हम ब्रेड बनाते हैं तो इस ब्रेड की कीमत मान लीजिए कि आपका हो गया ₹60 प्रति केजी। अब देखिए मान लीजिए कि हम अर्थव्यवस्था में क्या कहते हैं, गेहूं के भी उत्पादन मूल्य को, आटे के भी मूल्य को, और ब्रेड के भी मूल्य को जोड़ लें। तो ध्यान से देखेंगे इस ₹60 में क्या आटे का मूल्य नहीं जुड़ा हुआ है, और आटे के मूल्य के साथ में गेहूं का भी तो मूल्य जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम गेहूं को भी जोड़ ले, आटे को भी जोड़ ले, और ब्रेड को भी जोड़ ले गन्ना में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी कि एक ही चीज के मूल्य को कई बार जोड़ दिया गया, इसको कहेंगे दोहरी गन्ना। तो इस दोहरी गन्ना से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा अर्थव्यवस्था में GDP के लिए अंतिम वस्तुओं को शामिल करते हैं। क्लियर है? तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं इस परिभाषा को। GDP की परिभाषा क्या कह रहा है, एक वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष हमारा कब से कब प्रारंभ हुआ है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। देश की घरेलू सीमा हमने आपको समझा दिया, रहने वाले आपको निवासी मैंने समझा दिया कि वैसे व्यक्ति या लोग जो भारत में क्या कर रहे हो, 1 वर्ष से निवास कर रहे हो, और 6 महीने, 1 वर्ष में 6 महीने से अधिक निवास कर रहे हो, और आय का जो संपूर्ण स्रोत है उसके लिए वो पूरी तरह से भारत में है, तो भारत के क्या कहलाएंगे, निवासी कहलाएंगे। और उत्पादित अंतिम वस्तुएं हम आपको अपने समझाया, अंतिम वस्तु मतलब क्या कि दोहरी गणना से बचने के लिए हम अंतिम वस्तुओं को शामिल करते हैं, और अंतिम वस्तुओं का मतलब ये साधारण शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं जिन वस्तुओं का पुनः निर्माण हम नहीं करने वाले हैं, या उनकी खरीद हम फिर से नहीं कर सकते, वो हो जाती है आपकी अंतिम वस्तुएं। तो वैसे अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, GDP कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का पहला पाठ जिसमें हमने आपको GDP बताया है। हमारे नेक्स्ट पाठ में हम लोग GNP, NNP और अन्य सभी अवधारणाएं जो राष्ट्रीय आय के लिए होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।